तो ये वीडियो 29 मई 2023 की है, जो कि भैया की रिटायरमेंट पार्टी है, जो कि मामा के लड़के हैं, पीडब्ल्यूडी में अभी तक कार्यरत थे, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक ऐसे लम्हे जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, भैया ने अपने कार्यकाल में 60 साल की एज में इन्होंने जो योगदान अपने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के लिए दिया है या लोगों के लिए दिया है, अपने कलीग्स के साथ उन्होंने अपना टाइम व्यतीत किया है, वो बहुत होता है। क्योंकि इंसान अपने कर्म से जाना चाहता है, जो कि इन्होंने वो करके दिखाया है। आज तक इन पे कोई इस तरीके की कोई लांछन नहीं लगी है, और जिस तरीके से इनका सम्मान हो रहा है ये बनता भी है, क्योंकि जो इन्होंने पीडब्ल्यूडी के लिए किया है अभी तक, ये इनके विभाग वाले भी तारीफ करते हैं इनकी। और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि मैं इस तरीके की पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं जिस तरीके से हिमाचल में यहाँ पे देख रहा हूँ इस तरीके का कल्चर, जब कोई रिटायर होता है तो उस एम्प्लॉय के लिए क्या क्या सेलिब्रेशन रखते हैं इनके ऑफिशियली जो कलीग होते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। पर विराजमान मेरे गांव के मौजूद लोग, मेरे विभाग से जेज लोग और मेरे कुली भाई वर्क इंस्पेक्टर तथा मेरे इस सेक्शन के सभी कार्यरत मजदूर भाइयों और एजुकेशन विभाग से मेरे जो हमेशा साथ देते रहे श्री आत्माराम शर्मा जी और एजुकेशन के सभी मजदूर भाइयों, मेरे साथ आए हैं सभी मेरे रिश्तेदार और गांव से आए सभी मातृशक्तियाँ। आज मेरे को तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैंने 38 साल की नौकरी की है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और एक चीज़ और है कि आदमी जब 50 से ऊपर हो जाता है तो अपनी नौकरी से उबना भी शुरू हो जाता है। तो मेरे को जो विभाग से सहयोग रहा हर चीज़ में, जहाँ भी कहीं काम रहा और मैं इनसे ही सीखता रहा, तो आज मैं इस विभाग से अपना कार्यकाल पूरा करके सही सलामत अपने घर को जा रहा हूँ। और खुशी इस बात की है कि आज तक हमारे ऊपर कोई इस तरह का दाग नहीं लगा है, क्योंकि हम थोड़ा फील्ड में कार्यरत थे, इसमें कहीं ना कहीं किसी किस्म का हो ही जाता है, लेकिन इस ऊपर वाले की दया मेहर से आज तक प्रभु ने हमें बचा के रखा। और मेरा अपने मजदूर भाइयों से भी यही अनुरोध रहेगा कि जिसको भी जो जिम्मेवारी सौंपी जाती है उसको उसका कम से कम 50 नहीं कर पाते पर 30-35% भी करेंगे तो बहुत बेनिफिट में रहेंगे। और इस कार्यकाल में अगर मेरे से कहीं अपने मजदूर भाइयों के साथ जब अफसरों का थोड़ा प्रेशर रहता है तो काम के लिए थोड़ा हमें भी बोलना होता है, अगर कहीं मेरे से कोई अपशब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसे आप आज यहीं भूल जाएं। और इसके साथ आज मैंने घर में थोड़ा सा पार्टी का सा आयोजन रखा है, जितने मेरे इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी के सभी कार्यरत मजदूर वर्क इंस्पेक्टर भाइयों
मैंने थोड़ा अपने घर में थोड़ा पार्टी का सा आयोजन रखा है। हाथ जोड़कर विनती है कि आपको हम थोड़ा टाइमली खाना खिला देंगे और आपने इस पार्टी में जरूर शरीक होना है। धन्यवाद जी। अब ये जो अभी खाना चल रहा है, जो पार्टी है, ये इनके PWD के ऑफिस की तरफ से भैया के, और इसके बाद हम भैया के घर जाएंगे, वहाँ पे पार्टी का एंजॉयमेंट करेंगे।
पीडब्ल्यूडी ऑफिस से निकलने के पश्चात अब ये जाखना में विजिट कराए इन्होंने और सभी से मिलते हुए अपने घर की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। यार फोटो खींच देता हूँ। तो दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे अपने पति के बारे में? मैं देवर के साथ चांदनी हूँ। और आगे? अब हम आगे। अब कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे घर। किसके? किसके घर जाओगे? मनीष के गाड़ी में जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या होगा? फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। मैं तो थक रही हूँ बहुत। क्यों? और डीजे कौन नाचेगा? डीजे में नाचूंगी। और मैं निकल पड़ा हूँ भैया के घर की ओर, भैया को लेके अब गांव में जाके अब पार्टी का एंजॉयमेंट करेंगे। तो अब पहुंच चुके हैं मटला गांव के पास। इस जगह को ये लाणी बोलते हैं, जो कि एक ही रास्ता जाता है जूनल के लिए, एक जाता है माटला के लिए। हम माटला के लिए अब निकल रहे हैं। अब यहाँ से जो इनके कलीग्स हैं सारे डांस करते हुए अपना सिर मोरी कल्चर दिखाते हुए अब घर की तरफ चल रहे हैं। We'll be right back.
हम ये घर पर पहुंच चुके हैं भैया, अब इनका स्वागत हो रहा है। यहाँ पे जो इनकी बहन है वो इनका स्वागत कर रही हैं, और यहाँ पे जो रिश्तेदार परिवार वाले हैं सारे इनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये सब देखने को मिला मुझे, मैं तो कहूँगा कि ऐसा ही एक जो भी रिटायरमेंट पार्टी का किसी का भी बनता है वो इसी तरीके की पार्टी से अगर विदाई करें तो इंसान को क्या चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो काफ़ी इन्जॉय किया इस पार्टी में, और जैसे इनका स्वागत हो रहा है ये काफ़ी ही मज़ेदार था, क्योंकि ऐसे ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो लाइफ में याद रखे जाते हैं। अब हम केक कटिंग करवा रहे हैं, ये रिटायरमेंट पार्टी का जो केक हमने लाया है उसे भैया से कटवा रहे हैं। बड़ा इंजॉयफुल और मोमेंट रहा है ये, काफ़ी इंजॉय किया भैया की फैमिली के साथ। और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।